गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 3 ऑफ मुंबई व्लॉग। आज हम जा रहे हैं फिर से ज्वेलर की शॉप पे और आज मुझे ना एक्चुअली वो जो ज्वेलर है उनके पास इमिटेशन ज्वेलरी भी बहुत प्यारी प्यारी है। इमिटेशन इन द सेंस मींस कुंदन की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल है वो, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वो मैं सोच रही हूँ खरीदने का क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल, मतलब आप अच्छी सिंपल सी साड़ी भी पहनोगे और उसमें अच्छा हैवी सा वो कुंदन का कुछ पहन लोगे ना तो इतना सुंदर लगेगा। वो लेने के लिए जा रहे हैं और अभी जस्ट मैंने शार लिया है तो यस चलते हैं, थोड़े से बाल वाल ड्राई कर लूँ उसके बाद फिर निकलते हैं। और विक्की निकल गया है ऑफिस। सबसे अच्छी चीज पता क्या हुई कि यहाँ पर ना बर्ड्स आने लगी है तो अभी मैं चुपके से बैठ करके यही देखती रहती हूँ। और मेरी एक और फ्रेंड है उसने यहीं पे मतलब हमारे इधर पे ही फ्लैट लिया हुआ है तो वो अभी जस्ट शिफ्ट हुई ही है, उसके अभी हम लोगों को जाना है मिलने के लिए। तो वो बता रही थी मेरे को कल कॉल पे उसके यहाँ पे बिल्डर ने इतना हंगामा मचा के रखा हुआ है, वो लोग ग्रिल नहीं लगा सकते बाहर। मतलब शी हैज अ लिटिल बेबी, उसका जो बच्चा है काफी छोटा है, एक साल का ही है, एक साल का है 8 महीने का ऐसा कुछ ही है, छोटा सा है। तो भाई वो लोग तो अब 7th-8th floor पे अगर उनका घर है, 20 माले की बिल्डिंग है या 30 माले की बिल्डिंग है और अगर हाई राइज पे उनका घर है तो सिक्योरिटी पर्पसेस से वो थोड़ा बहुत मैशिंग तो करेंगे और ऐसी मैश लगाते हैं, मतलब यहाँ पर आपका एकदम मोटी वाली जो लोहे की वो होती है ना वो अलाउड वैसी भी नहीं होती है, आप कपड़े नहीं डाल सकते उधर पे, वो अलाउड नहीं होता है, ब्यूटिफिकेशन जाती है बिल्डिंग की और या वॉट एवर रीजन। मतलब आ रही थी कहती हमने कपड़े सुखाए तो मेरे पास नोटिस आ गया सोसाइटी का कि आप कपड़े नहीं सुखा सकते बाहर क्योंकि उसका जो बिल्डिंग वाला फेस है ना वो मेन साइड है तो वो होता है ना कोई भी देखता है तो वो गंदा लगता है, कपड़े सूख रहे होते हैं दिख रहे हैं। यही डिस्कस कर रहे थे कि आपने चलो बैल्कनीज नहीं दी, आपने एक छोटा सा ड्राई एरिया दे दिया है, उस ड्राई एरिया में कोई खुलापन नहीं है, लोगों ने वहां पर एसी के डक्ट लगा रखे हैं सब ने तो उल्टा वहां तो और कपड़े कहती है स्मेल आने लगती है कपड़ों में से तो वो अपने बैल्कनी साइड में डालती है, वहां पर आप कपड़े नहीं डालने दे रहे हो। जो इतना महंगा कोई इंसान घर ले रहा है उसके बाद उसको ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हमारा बच्चा कहीं ऊपर से नीचे गिर ना जाए तो उसके लिए आपको ग्रिल लगाना है, आप कपड़े डाल सकते हो कि नहीं, आप बहुत बहुत लफड़े हैं। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से। ओके गाइस सो आई जस्ट रीच्ड हियर, मैं खा रही हूँ खाना, पुदीने का पराठा बनाया गया है आज, बहुत टेस्टी है। फर्स्ट टाइम खा रही हूँ पुदीने का पराठा, मेथी का खाया है, मूली का खाया है, गोभी का खाया है और ठीक है आलू का खाया है, बट पुदीने का फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, इट्स वेरी टेस्टी। ओके गाइस तो मैंने आपको बताया था ना कुंदन वाली शॉप, तो बस ये वहीं पर हम लोग पहुंच गए हैं, ज्वेलर के शॉप के पास में ही थी एंड बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी। आप देखिए इनका जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा फाइन है, ऐसी ज्वेलरीज आप ऑनलाइन लेते हो ना तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी आती है और जो सस्ती आती है वो थोड़ी चीप क्वालिटी की दिखती है, तो ये ना तो बहुत सस्ती है ना बहुत महंगी है बट अच्छी क्वालिटी की, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रहे थे। मैं पोशाक वगैरह में पहनने के लिए या सिंपल सी कोई सी भी आप साड़ी पर पहनो इट विल गोइंग टू लुक अमेजिंग और कॉस्ट भी काफ़ी सही था, मतलब इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने एक गले का लिया है और साथ में इयररिंग दिए हैं। हाय गाइस तो मैं आ गई थी और आने के बाद सो भी गई थी थोड़ी देर, मैंने लिटरली बिल्कुल भी एडिटिंग का काम नहीं किया है इन 2 दिनों में, फुल ऑन मस्ती मार रही हूँ मैं सिर्फ। अभी मैं जैसे कि मैंने बताया था ना कल की मैं और निशाल हम लोग डिनर डेट पे जा रहे हैं, पहले हम लंच डेट पे जाने वाले थे बट वो कैंसिल होकर के अब हम डिनर डेट पे जा रहे हैं। सो उसके लिए देखते कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनने वाली हूँ मैं भी, या तो मैं ये पहनने वाली हूँ और या तो फिर मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ, मुझे आयनिंग करना पड़ेगा इसके ऊपर एंड अभी मैं अपने बालों को एक अलग तरीके से सेट करने का सोच रही हूँ। सो उसके लिए मैंने ये अपना ब्लो ब्रश निकाल करके रखा है तो लेट्स सी सक्सेस होता है कि नहीं है। हाय एवरीवन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अनियन इज अ मिराकुलस किचन इंग्रेडिएंट जो कि ट्रेडिशनली बहुत पहले से हम लोग हेयर फॉल कंट्रोल के लिए उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। ऑनियन जूस को एक्सट्रैक्ट करना घर पर ही बहुत ही अलग ही टीडियस प्रोसेस है, उसकी जो स्मेल है वो हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। प्रेजेंटिंग मामाअर्थ अनियन शैम्पू जो कि क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ अनियन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट केराटिन। ये जो अनियन शैम्पू है ये जेंटली आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, आपका जो हेयर फॉल है उसको रिड्यूस करता है एंड साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी ये छोड़ता है। तो आज जो मैंने शैम्पू करा हुआ है वो इन्हीं से किया हुआ है, काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो रखे हैं मेरे बाल। ये जो शैम्पू है दिस इज रिच इन सल्फर विच प्रमोट्स हेयर ग्रोथ बाय स्ट्रेंथनिंग एंड नरिशिंग द हेयर। ये जो शैम्पू है इसका हीरो इंग्रेडिएंट है अनियन एंड प्लांट केराटिन। अनियन जो है वो हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है
जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है एंड साथ ही साथ जो हेयर फॉल है उसको रिड्यूस करता है। जो प्लांट कैरेटिन है दिस इज मेड अप ऑफ 18 अमीनो एसिड। प्लांट कैरेटिन बहुत ही हाई प्रोएक्टिव प्रोटीन है, ये बालों के मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। तो ये जो पैकेजिंग है ये 600 ml न्यूली लॉन्च पैकेजिंग है इस अनियन शैम्पू की। दिस शैम्पू इज 8 times मोर डिटैंगलिंग, हेयर इज स्मूदर, शाइनियर, सिल्कियर एंड हेल्दियर। इवन उसके अंदर कोई भी सल्फेट्स एंड टॉक्सिन्स नहीं है, बट स्टिल ये 22% ज्यादा फोम बनाता है। 4 times कंडीशनिंग इफेक्ट भी है। तो इसको आपको लगाना कैसे, शैम्पू करते हो आपको थोड़ा सा पी साइज अमाउंट ले लेना है एंड अपने बालों में अच्छे से लैदर बनाना है, फोम बनाना है एंड देन उसके बाद अच्छे से रिंस कर लेना है। तो आपको अपने बालों में लगाना है ये मामाअर्थ का अनियन कंडीशनर। इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है अनियन एंड कोकोनट। कोकोनट के अंदर नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी जो हेयर की ओवरऑल हेल्थ है उसको भी ये मेंटेन रखता है। सो बस ये जो 2-step हेयर केयर रूटीन है इससे ही आपको आपके बालों में काफी अच्छा डिफरेंस दिखेगा, आपके हेयर फॉल कम होंगे एंड साथ ही साथ आपके बाल काफी सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। सो जैसा कि मैंने बताया, यूज टूडे दिस शैम्पू एंड कंडीशनर ओनली, सो लुक एट माई हेयर लुकिंग क्वाइट गुड और काफी शाइनी भी लग रहे हैं ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की लिंक दी रहेगी, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल 20% discount Mamaearth की website and app पर। So every time you buy a product from Mamaearth, Mamaearth will link your order on a website to a tree that they plant। इसके पीछे का purpose ये है, आप एक बहुत अच्छा product ले रहे हैं, साथ ही साथ आप earth को भी contribution दे रहे हैं। You all know that Mamaearth की जो products ये available हैं Amazon, Nykaa, Flipkart and Mamaearth की app and website पर, but they are now also available in a store nearby you। तो आप जब भी इस तरीके के कोई भी product spot करें, shops पे देखें, mall में देखें, तो मुझे बताइएगा जरूर कि आप देख चुके हैं, या अगर आप इस करें तो उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा दैट यू हैव स्पॉटेड मामाअर्थ का स्टोर या उनके प्रोडक्ट्स। अब हम चलते हैं डायरेक्टली व्लॉग की तरफ। मैं इस तरीके से ना फर्स्ट टाइम ट्राई करके देख रही थी, इफेक्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था, तो देखते हैं एंड रिजल्ट कैसा आता है। तो थोड़ा सा बालों में हीट प्रोटेक्शन ज़्यादा लगाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं भयंकर लेवल पे हीट यूज़ कर रही थी। ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। एक्चुअली मैंने ना ब्लो ड्राई भी किया है एंड साथ में कर्ल्स आप देखोगे ना तो मैंने ऐसे बहुत खतरनाक वाले कर्ल्स नहीं करे, बिल्कुल हल्के हल्के से टर्न किए हुए हैं और थोड़ा इनको ओपन कर लिया है सो दैट यू नो वो अच्छे लगे, वेवी से लगे बस। अब ड्रेस देखती हूँ, पहले मैं ट्राई करके देखूंगी कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन से फुटवेयर है मेरे पास, उसके बाद फिर मैं कोई ड्रेस पहनूंगी। ओके गाइज, सो आई एम रेडी। मैंने ड्रेस को जो है वो डिच कर दिया है एंड आई एम वेयरिंग दिस टॉप। एक्चुअली मेरे पास वन शोल्डर टॉप काफी सारे हैं और काफी सारे कलर्स में भी है। सो ये वाला पैटर्न मेरा बहुत टाइम से रखा हुआ था, ये मैंने स्टॉक बाय लव कोलैबोरेशन में मेरे पास आया था एंड सिंस मैंने काफी सारे ऑलरेडी वन शोल्डर टॉप्स ब्लैक कलर के पहन रही थी मैं एक एक करके, तो अभी मैंने लिटरली इसका टैग निकाला है तो आई थॉट कि मैं अभी ये पहन करके जाती हूँ विद दिस जीन्स। दिखाती हूँ आपको जीन्स, दिखाती हूँ अपनी। रब से मांगो ये, नाउ दिस इज द जीन्स एंड जो मैं बैग कैरी करने वाली हूँ वो है ये बैग, दिस इज माई बैग। ओके तो ये मेरा रहने वाला है, फुटवेयर पहनूंगी अभी और मैंने बस इयररिंग्स चेंज कर लिए हैं, ऐसे हूप्स डाल लिए हैं और साथ में वॉच पहनी है, यहाँ पे बस मेरे ब्रेसलेट्स हैं और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये डेनियल वेलिंगटन का ब्रेसलेट है, ये मेरे पास काफी टाइम से 2019 डेनियल DW के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, तब उन्होंने मुझे सेंड किया था। इसको मैं लिटरली पानी में भी लेके जा चुकी हूँ, बहुत पहना है मैंने इसको और इसकी शाइनिंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ गुड ज्वेलरी बट रियल नहीं, मतलब रियल तो बहुत एक्सपेंसिव आ जाती है राइट, वो तो 50+ पहुंच जाएगा, तो अगर आपको सस्ती ज्वेलरी भी चाहिए और अच्छी चीज है लॉन्ग लास्टिंग भी रहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 2500 कुछ का आता है और डिस्काउंट पे ना ये समटाइम्स 2100-1800 का भी मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, एक तो लगता भी बहुत स्मार्ट है तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो। मेरे पास ऐसे दो हैं, दोनों ब्रांड ने मुझे सेंड किया था बट ये मैंने बहुत पहना है, सो दिस इज अ गुड वन, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो। सो यस, ओके गाइस, अब रेडी हो चुके हैं, अब मैं निशा के आगे पिक करने के लिए और हम जा रहे हैं हमारी गर्ल्स डेट नाइट पे। ये निशा इज रेडी, और ब्लैक पहना है दोनों ने, सो यस।
मॉर्निंग. सो कल आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम लोग कल पता कितने बजे घर आए, 11:30 पे, इतना लेट, और वो भी हम दोनों अकेले. एक्चुअली क्या हुआ था, विक्की ऑफिस से आ रहा था, मतलब कल क्योंकि फ्राइडे था तो काफ़ी लेट वो निकला भी ऑफिस से, क्योंकि एनी वेज अगर वो जल्दी भी निकलता तो ट्रैफिक में फिर वो बहुत ज़्यादा. फ्राइडे नाइट यहाँ पर, फ्राइडे सैटरडे आप सोच भी नहीं सकते हो इस लेवल का ट्रैफिक होता है. तो मैंने उसको ये बोला था कि आप 11 बजे तक यहीं उतर जाना, मतलब हमारा जो सोसाइटी स्टार्ट होता है स्टेट, उसके जस्ट मेन गेट पर ही वो था जो जगह है ना रेस्टोरेंट, मान लो हमारे एरिया में थी, तो कोई रिस्क नहीं था लेट आने का भी. तो हमने विक्की को ये बोल दिया था, मैंने कहा आप वहीं स्टॉप वहीं उतर जाना और फिर हम लोग आपको कार में उठाएंगे और अपन लोग सब साथ में आ जाएंगे. बट वो विक्की फिर पहले ही घर आ गया क्योंकि हम लोग थोड़ा, एक्चुअली हम लोग चले गए थे 8:30 या 8:45 हम चले गए थे. वहाँ पर जो एक्चुअल स्टार्ट हुआ ना वो 10:00 के बाद स्टार्ट हुआ, और ये हमको पता ही नहीं था कि वहाँ पर 10:00 के बाद बॉलीवुड नाइट होती है. मतलब एक्चुअली वो लोग आना स्टार्ट 10 बजे के बाद कर रहे थे और फिर काफ़ी हैपनिंग सी जगह थी. तो मैं और निशा हम लोग यही हंस रहे थे, मैंने कहा भाई ना तो उनके हस्बैंड मतलब विक्की भी, ये दोनों बहुत सिमिलर टाइप के हैं, वो ना ऐसे जगह पे पसंद नहीं आता है, लाइक प्लेसेस जहाँ पर शांति हो अच्छी जगहों पे बैठना पसंद करते हैं. ये लोग वैसी जगहों पे बैठना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर आप समझ रहे हो जो यंग क्राउड होता है वो कूदता फांदता रहता है, मतलब इनके वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो. सो मैं भी वैसी, मतलब हम लोग भी वैसी हो गए, जाते भी हम कैसी जगहों पे, वहीं शांति से बैठे हैं, काम म्यूजिक चल रहा है और अच्छा खाना खा रहे हैं, ऐसे हम लोग बैठते हैं. तो कल हमारा बड़ा मन हो रहा था कि यार अपन टाइम स्पेंड करते हैं. हम लोग को तो बड़ा मजा आया जब बॉलीवुड नाइट स्टार्ट हो गई तो वो इतना अच्छा लग रहा था, माइंड एकदम उस थोड़ी देर के मूवमेंट के लिए मैं सब भूल गई थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, दिमाग एकदम फ्रेश हो गया था. तो मुझे मजा आया वहाँ पे डेफिनेटली. नाउ कमिंग टू द फूड, मुझे फूड इतना अच्छा नहीं लगा, और मॉकटेल्स ऑर्डर करी थी तो वो भी ठीक थी, बहुत टेस्टी, मतलब मैं वही बोलूंगी ओवरऑल ओके था द अमाउंट वी पेड. तो हमने यही देखा वहाँ पर, लोग ना 10 बजे के बाद आते हैं, इट्स लाइक अ माहौल फिर आपका थोड़ा क्लबिंग एंड पबिंग टाइप का हो जाता है, टेस्टेस गाने बज रहे होते हैं, स्क्रीन पे कुछ चल रहा होता है, अपने अपने टेबल के पास लोग खड़े होकर के डांस कर रहे होते हैं, एंड दे आर यूजुअली ड्रिंक ही कर रहे होते हैं. मैं ड्रिंक करने के लिए मैंने ज़्यादा देखे और स्नैक्स वगैरह थोड़े बहुत खाते. तो निशा हम यही बोल रहे थे कि अब इतना खाएंगे नहीं यहाँ पर आकर, यहाँ थोड़ा बहुत खाएंगे जब अपन को बॉलीवुड वाला माहौल चाहिए होगा कि यार थोड़ा रिफ्रेश होना है, कुछ चेंज चाहिए लाइफ में, तब वहाँ पर जाएंगे. ऑल्सो अभी क्या हुआ ना, मैं आज सुबह से एक काम कर रही हूँ, ये मेरी एक बिल बुक है जिसमें मैं अपने हर तरीके के बिल, जैसे कि ज्वेलरी लेती हूँ मैं उसके बिल्स लगाती हूँ, उसके बाद लैपटॉप मैंने लिया, मोबाइल मैंने लिया, फ्रिज लिया, या जो भी मैं लेती हूँ ना मैं उसको सिस्टमैटिकली अपनी बिल बुक में मेंटेन करती हूँ, मुझे पसंद है. और ऐसा नहीं कि अभी करती हूँ, ये मैं शादी के टाइम पे भी जब मेरा सब सामान आता था ना, चाहे वो गोल्ड हो, साड़ीज हो, लहंगा हो, मैं उसकी सबके बिल संभालने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी, पहले भी और अभी भी. से जो फर्स्ट प्रोडक्ट परचेस किया था वो परचेस किया था एक चेन जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे, एंड वो कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं था, वो तब आज से 2.5 साल हो गए, 2000 का तब मैंने वो परचेस किया था, एंड इट वाज नॉट चीप, एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने कैरेट लेंस से खुद से परचेस करी थी वहां पर. तो मेरे मम्मी पापा विक्की इनवर ये लोग बोल रहे थे पागल मत बनो, अपना पैसा हर कहीं मत लगाओ, क्योंकि तब उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था एंड ऑल दैट. मैंने कहा अरे नहीं नहीं ये तो तनिष्क से रिलेटेड ब्रांड है, तनिष्क का इनके साथ नाम जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो इसीलिए इतना ऊपर ग्रो हुआ बिकॉज तनिष्क का नाम एडेड है उनके साथ. मैंने वहां से 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं और बैक टू बैक ही खरीदे थे, बट लॉन्ग रन में जब मैं देखती हूँ तो मैं रिग्रेट करती हूँ. रिसेंटली अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, उसकी शादी थी तो उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग देख रहे थे, वही देखने के लिए हम लोग वहां पर गए. तो मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा मैंने यहाँ से सबसे फर्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट वो मैंने यहीं से परचेस किया है, आप मुझे बताओ उसका भी वैल्यू क्या चल रहा है. तो उन्हें बोला मैम आप बिल बता दो, दे डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ कि मैंने यहाँ पे परचेस भी करी है ऐसी कोई चीज. तो मैं तो भाई एकदम मतलब आग बबूला हो गई थी मैं बहुत गंदी तरीके से. आपका तो ऑनलाइन है सब कुछ तो आपको तो वो मेंटेन करके रखना चाहिए सारा डेटा. मैं ऐसा करके बहुत चिल्ला करके आई, तो मैं अभी ना जस्ट वही चेक कर रही थी कि मेरे पास वो बिल प्रेजेंट है कि नहीं है, मैं उसकी फोटो खींची. आई मेंटेन दिस काइंड ऑफ बिल बुक जहाँ से भी जो भी मुझे सामान लेना होता है. तो सो यस, तो मुझे बताओ आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली कुछ जिनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा ही बोलेंगे, है ना. ऐसा कुछ 2 प्रोडक्ट मैंने और जब बाद में ली उसमें मेरे साथ इतना बेकार एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट हाँ जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, विक्की ने मुझे मना किया था कि क्या ले रही हो, इतना महंगा प्रोडक्ट है और दिख भी नहीं रहा है, पहने हो उसको तो कुछ दिखता भी नहीं है. मैंने बोला नहीं नहीं उसमें डायमंड लगे हुए हैं भाई वो तो. सो कुछ नहीं, आप ऐसी एक्सपीरियंस से सीखते हो. कुछ नहीं, अभी आज क्या प्लान है, आज सैटरडे है, आज मेरा 4th डे है, तो आज हमारा प्लम्बर आ रहा है, तो क्योंकि हमने जिससे काम कराया था वो प्लम्बर तो है नहीं यहाँ पर, तो अब दूसरे एक और बिल्डिंग में काम कर रहे होंगे कोई प्लम्बर, तो उनको बोला है कि आप आकर के चेक कर लो. तो अभी यार हम लोग ये सोच रहे हैं टेम्प्रेरी विक्की बोर्ड आजू बाजू की छोटी सी टाइल्स कटवाएंगे और फिर देखते हैं अभी क्या करवाएंगे, अभी अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, बट बस हाँ पानी आने लगे अभी तो मेन हमारा प्रायोरिटी वही है, और देखते हैं शाम को कहीं जाते हैं तो.
तो देखिए इस तरीके से ये लीकेज हो रहा है, इट्स नॉट अ वेरी बिग लीकेज बट लीकेज इज देयर। तो अभी विक्की लेकर के आया है थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, तो हम आपको एक चीज बताते हैं। ये भोपाल है, ये मिला था हम लोगों को 60 रुपीज, अभी 60 रुपए किलो चल रहा है, जब महंगा होता है तो मैक्स 100 चला जाता है। हाँ, बस है ना, 120 भी किया है हमने, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा का नहीं। ये 240 रुपए का है और इस पे देखना, ध्यान से देखना, मैं पलटा रहा हूँ, टैग लगा हुआ है किस चीज का, क्या लगा ये? सुपर डिलक्स। सो सुपर डिलक्स की प्राइस आती है 240 रुपए से शुरू। यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ इससे कम में नहीं मिलते ना। नहीं मिलते हैं, 160 रुपए तक भी मिलते हैं, लेकिन वो खरीदने लायक नहीं है। ताना मुझे कि आप लोग यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है क्या रेट? ओह यस, अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा नाश्ता और फिर देखते हैं क्या करेंगे। शाल वाल लेने के लिए जाती हूँ मैं।